श्री राम समर्थ, जुलाई 9। नामस्मरण करने का निश्चय करें। जो दृश्य दिखाई देता है वह आज या कल नष्ट होता है। दृश्य स्वतंत्र नहीं होता, वह तो भगवान के अधीन होता है। इसलिए यह हमें जानना चाहिए कि संसार में जो जो घटता है वह भगवान की इच्छा से ही घटता है। हमारी देह भी दृश्य ही है और उसका संचालन करने वाला भगवान भी देह में ही है। उसके अनुसंधान में रहने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। यह अनुसंधान भगवान का नामस्मरण करने से सरता है। इसलिए हम सबको नामस्मरण करने का निश्चय करना चाहिए। हमारा चित्त नामस्मरण में रत होने पर देह को हम नसीब के हवाले कर सकते हैं। यह युक्ति जिसे सध गई उसे सुख दुख की बाधा नहीं होती। संतों को भी उनके नसीब के अनुसार भोग भोगने पड़ते हैं, किंतु उन्हें देह बुद्धि नहीं होती, इसलिए भोग से होने वाले परिणाम उन्हें भुगतने नहीं पड़ते। व्यवहार करते समय भगवान का नामस्मरण करना कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे प्रयत्न के कारण जो परिणाम हो वे ईश्वर इच्छा मानकर जो पल्ले पड़ेगा उससे संतोष करना चाहिए। हम सब गृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थी के लिए उचित प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य ही है, किंतु गृहस्थी ही अपना सर्वस्व समझकर गृहस्थी में भी भगवान को न भूले। परमार्थ के लिए सदाचरण आवश्यक होता है। यूं ही अरे गैरे के कहने पर विश्वास न रखे। किसी के भुलावे में आना उचित नहीं और अनीति अधर्म का आचरण न करे। संत जो कहते हैं उस पर विश्वास रखे, नामस्मरण करे, सदाचरण से गृहस्थी करे। मैं वचन देता हूँ कि ऐसा जो करेगा उसका भगवान राम कल्याण ही करेगा। अनेकों को गृहस्थी के लिए ईश्वर की आवश्यकता होती है। वस्तुतः ये सब यानी गृहस्थी के लिए ईश्वर मानने वाले हिंग जीरे के यानी मामूली बातों के ग्राहक हैं। भगवान के लिए ही भगवान चाहिए ऐसा सच्चा कस्तूरी को चाहने वाला यानी भगवान को ही चाहने वाला कोई भी नहीं। वही सच्चा डॉक्टर जो रोगी को रोग मुक्त करे, वही सच्चा संत जो विषयों में डूबे हुए को बाहर निकालता है। उसके पास जाकर केवल इतना ही कहो कि मैं शरण आया हूँ, तो भी आपको लाभ होगा। पूर्व की और आज की गृहस्थी में वैसे कोई विशेष फर्क नहीं है, किंतु पहले लोग भगवान को भूलते नहीं थे, आजकल वे बहुत संकुचित हो गए हैं। पूर्व ग्रामों में स्वभावतः एक दूसरे की सहायता करने की बुद्धि थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। तुम्हें बहुत बड़ी संख्या में नामस्मरण करते देखकर मुझे संतोष होता है। इसका कारण है मुझे जो बात पसंद है उसमें इतने लोगों की रुचि है। मैंने जो कहा है उतना जरूर करूंगा, ऐसा निश्चय करो। यह जानकर कि आप सबका भार मैंने अपने ऊपर लिया है, किसी भी बात की चिंता मत करो। इतना ध्यान रखो और खुशी से गृहस्थी करो। आज का मुख्य विचार, भगवान के नामस्मरण की लगन लग गई तो दुख का भान कम होगा। दुख का भान नहीं होगा तो दुख होने से कुछ नहीं बिगड़ता। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।